रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सारा जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। जब जब मर्दों का कुछ खड़ा करना होता है ना, औरतों का कुछ ना कुछ बैठ ही जाता है। कभी गला तो कभी हौसला, क्योंकि मर्द तो साले होती चुकी है। अनुशिल्ला कहूं या मुनमुन कहूं या स्विट्टी कहूं, सारे रास्ते तेरी तरफ जाने लग रहे। ले, मैं भी आ गया। ये भागे मत स्विट्टी। नमस्कार, यूएस रेल में आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? अरे मैडम, मैं अपने फोन में एक गाना लगाया था, लॉलीपॉप लागे लू, वो मुझे नहीं जो फोन करता उसे सुनाई देता है, ऐसे क्यों? हाँ, जो आपको सुनाई देता है वो कॉलर ट्यून है। अगर आपको खुद को गाना सुनना है तो आपके फोन से एक गाना सिलेक्ट कीजिए, उसको रिंगटोन पे सेट कीजिए। पर कैसे? उसकी जानकारी के लिए आप कस्टमर सर्विस के टाइम पे फोन कीजिए, जो है सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। पर अभी तो 2 बज रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे ऑफिस के घड़ी में 3 बज चुके। धन्यवाद। ये गुप्ता जी कहाँ चली गई? क्या बताएं साहब, रोज 2 का 3 बताकर गाजर केला ककड़ी न जाने क्या क्या लेकर कहाँ जाती है, कुछ पता नहीं। केला ककड़ी? सर वो अनु हेल्थ कॉन्शियस है ना, तो रॉ डाइट पर है, इसलिए ये सब खाती है, गाजर केला ककड़ी। पर जाती कहाँ है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब ये लाइन किसने कही थी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये गाजर ककड़ी के लिए इन सब चीजों के साथ क्या कर रही हूँ, अच्छा यू यहाँ बैठे है। स्वीटी, आ गया तेरा चरण वाला। हेलो, आप ऑफिस से निकल गए? बस बेबी, अभी अभी घर आया हूँ। आज तो मैंने ना हाफ डे लिया ऑफिस से। वो क्या है ना, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल भी। ओ, क्यों, क्या हुआ मेरी बेबी को? तुम्हारे चक्कर में ना मैं पागल हुआ पड़ा हूँ। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, है ना मुन्मुन बेबी? ये जो चाहत के घोड़े होते हैं ना, सच कहूँ तो जहन के पकौड़े होते हैं। Thank you.
मेरा तो बेड खड़ा हो गया अभी। इतना जल्दी क्यों? अब तक तो मैं नीचे पहुंची तक नहीं हूँ। पहले पैंट की जिप तो खोलूं। बीबी। उसका बाप बजाए ढोल, उसकी माँ बजाए पुंगी करके हालत उसकी नंगी, मैनेजर पेले सब अतरंगी, मैनेजर मामा के ट्रिगर दब जाएगा, इसकी गांड पाट जाएगी, रहने दे। मैं कौन सा बैंक का मैनेजर हूँ? मैं तो एक मामूली सा कॉल सेंटर का मैनेजर। मुझ गरीब ने क्या बिगाड़ा है आप लोग? अपने ऑफिस का बेहतर सेक्स रैकेट चलाने लगा, गरीब हो गया तू? क्या बात कर रहे हैं चमन जी, इस ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं होता। सुतिया समझ रखा है, ये फोन सेक्स नंबर तेरी बिल्डिंग तो ऑपरेट होने लग रहा है ना। तेरी स्वीटी की मिली भगत है ना? बता कितना स्वीटी? कौन स्वीटी? बेबी अभी तुम बहुत तेज जा रहे हो, जैसे बॉल बैट के ऊपर बाउंस करते हैं ना, वैसे मैं तुम्हारे ऊपर टप्पे खा रही हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा विकेट जल्दी गिरने वाला है क्या? बेबी अभी तो पूरा पिच खुदने वाली है। माय गॉड, यू आर गोइंग टू हार्ड। ये देखिए भैया, ये इंटरनल एप्लीकेशन आई थी नवंबर 9 महीने पहले, ये इसका बिल और ये अभी तक भरा हुआ। 9 महीने से इस बिल्डिंग में कोई नाजायज बच्चा जन्म लग रहा है, अब इस बिल की पड़ी है। नुबता ये एप्लीकेशन किसने डाली थी? अनुज, मेरा मतलब अनुशीला गुप्ता। अनुशीला गुप्ता कहाँ बैठती तेरी गुप्ता जी? बेबी क्या हुआ बेबी? मैं तो लेट गई, मुझसे तुम्हारा फोर्स लिया नहीं जा रहा है। अब आगे का मिशन मिशनरी पोज। पहले से बड़ी होट लग रही है मामा, ढूंढ की तया। अरे कौन सी बड़ी बात से, ढूंढ लेंगे छोरी ने। चले ढूंढ कितना मार कितना भागी बता। अरे अनु तो स्टोर रूम की तरफ गई है सब्जी थैले लेकर। मुझे कहाँ नहीं जा रहा, मैंने क्या किया? ओ, मुझे दे चलना स्टोर रूम। क्या हुआ, तुम निकल गया क्या? मेरी वाइफ आ गई। कित गई? मामा फिर भाग गया। अरे कोई बात, अरे तू गाड़ी निकाल यार, सारी बात करते रहे। गाड़ी निकाल तू, चले गाड़ी निकाल। एक ही अम्मा को कभी ना कभी फ्राइड चिकन तो बनना ही था। इलीगल फोन कॉल सेंटर इनसाइड द कस्टमर केयर बिल्डिंग। और तुम ये चमन आलम को कैसे जानती हो? कौन चमन आलम? अरे जिसने हमारे ऑफिस में रेड मारी है, इस इलाके का बहुत बड़ा नेता है वो, अभी भी जेल से छूट गया है। यहाँ तो कैसे पहुंचा? उस तुम कैसे जानती हो? और तुमने उसे क्या उंगली किया है वो जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? सिफिलिस का नाम सुना है कभी? सिफिलिस बहुत ही जालिम गुप्त रोग है, एक बार किसी को लग गया ना तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। ये चमन मेरी लाइफ का सिफिलिस है। छोकरी का भी प्रॉब्लम है, लाइफ में
अरे भाई कितने जा रहा है? भीतर सांप निकला, चल भाग। अरे तू आगे से देख, यह छोरी ने ढूंढनी है चमन की तमन्ना से, शायद को मधुमक्खी के छत्ते से चाटेगा वो। हैं भैया हो जाएगा। हाँ नंबर दीजिए भैया। ले पढ़ या नंबर से। मामा जी चमन भी आज बहुत भूखे हैं क्या? बावड़े चमन जब गुस्सा खाता है ना तो खाना बहुत खाता है। तू ये बता छोरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? छोकरी का नंबर तो चालू है मामा जी, बस कुछ ही मिनटों में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बड़ा सस्ता। तुम संचार नगर के यहाँ क्यों नहीं बेचते? सॉरी पैसे नहीं है। आप खाइए मैडम, क्या मैं आपको ककड़ी नहीं खिला सकता? थैंक यू। ले बेटा रख। मैं भोसड़ी के कितनी दूर रहेगी अब? सीधे भैया सीधे, भाभी जी बस थोड़ी ही दूरी पर है। बस कर स्वीटी, और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। डार्लिंग, अब और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रही हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। बस थोड़ी दूरी पर है स्वीटी जी। भैया खड़ा बढ़िया आइटम लेके आया, पहले ही नहीं ला सकता था हरामी साले ऑफिस में। और तू को बैग तो पीछे चढ़ के बैठा है, आराम से बैग देखने दे। इंदरपुर तक नहीं जाने दूंगा तेरी भाभी ने। अभी बस में ही हूँ। जब एक जंगली जानवर पागलों की तरह तुम्हारा पीछा कर रहा हो तो उससे बचने का एक ही तरीका है, उसे भटका दो। और ये काम किया मेरे मोबाइल फोन के सिग्नल ने। चमन मुझे ट्रैक करते करते डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैं ठर के भैयाओं के सहारे एक बार फिर बिना मंजिल के रास्तों पर चल पड़ी। भैया मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल करना है, मैं अपने पति के घर से भाग के निकली हूँ। मर्दों को बिगड़ाने के दो ही तरीके हैं, या तो आंसू गिराओ या फिर पल्लू। मैंने तो दोनों ही गिरा दिए।
ताऊजी की फेवरेट फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। उनके लाइफ की स्टोरी भी उस फिल्म के छोटे छोटे इंस्टा वीडियोस थे। आज जिंदा होते तो उनको एक और जरूरत का एहसास होता, इंटरनेट। 12 घंटे से अपने फोन का टच स्क्रीन नहीं छुआ, यू नो द फीलिंग राइट। तो अपने विथड्रॉवल सिम्टम्स को ओवरकम करने और कुछ पैसों की इनकम करने अपने फिगर के भरोसे जिगर के साथ मैं एक मोबाइल शॉप में घुस तो गई, लेकिन कोई है? कोई मोबाइल रिचार्ज हो रहा है चार्जर से। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। टुडे इज द एज ऑफ वुमन ऑन टॉप। कहानी तो सुनी होगी। एक राजा को पता चल जाता है कि आज रात उसकी मौत आनी है। वो शहर से भागकर कहीं जाकर छुप जाता है जहां मौत उसका इंतजार कर रही है। वही चूतियापा वाला थॉट है, लेकिन पता नहीं ये थॉट इस वक्त मुझे क्यों सूझा।